गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जोगिंदर सिंह शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इजनेस प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में अपन लेके आए एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जो कि रिलेट करता है डेली लाइफ से भी, इन द सेंस अपन कह सकते हैं कि रूटीन में भी अपन कई जगह रेजोनेंस देखते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट से तो करता ही है। किसकी बात करें, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेट करें तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही। तो आज की क्लास भी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अपन आज बात करेंगे किससे रिलेटेड, अनुनाद से संबंधित, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस से रिलेट करेंगे। बेसिकली रेजोनेंस क्या है, अगर अपन कहें रिलेट करना चाहे बेसिकली रेजोनेंस क्या है, तो कहीं पर भी एक मैचिंग की कंडीशन जो है उसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। जैसे मैं कहूँ, आप मान लीजिए, मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको, फिजिकल एग्जांपल, जिनसे और क्लियर होगा। लेकिन नॉर्मली अपन जानते हैं कि सर्किट में RLC तीन एलिमेंट जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, RLC एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें से रजिस्टर कैसा है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है या डिसिपेशन, डिसिपेट करता है यानी ऊर्जा खर्च करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, ऊष्मा के रूप में। लेकिन इंडक्टर कैपेसिटर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किसके अनुसार वो करंट लेते हैं, अपने अपने इंपीडेंस यानी कि रिएक्टेंस के अनुसार। उनका अपना अपना प्रतिघात होता है, रिएक्टेंस होता है, जिसके अनुसार वो अपनी करंट ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर सीरीज सर्किट में जोड़ दूं या पैरेलल में जोड़ दूं तीनों को, तो इनके बिहाफ पर दो तरह की टर्मिनेटिंग कंडीशन बनती है जिन्हें अपन सीरीज या पैरेलल रेजोनेंस कह सकते हैं। एक स्पेशल केस रेजोनेंस है, उसके अलावा अपन अगर कहें तो बाकी अवस्थाओं में उसका बिहेवियर क्या होगा वो अलग होगा। तो अनुनाद की अवस्था पे स्पेसिफिक ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। इसी आधार पर अपन एक सर्किट को बोलते हैं एक्सेप्टर और दूसरे को बोलते हैं रिजेक्टर। यानी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को क्या करें, एक्सेप्ट कर ले, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सबको एक्सेप्ट कर ले। तो एक हो गया एक्सेप्टर यानी ग्राहक, दूसरा रिजेक्टर यानी कि उसको दूर कर देना। तो इस तरह के कई बेसिक एग्जांपल अपने को रूटीन लाइफ में मिलते हैं रेजोनेंस के, उनको देखिए आपके स्क्रीन पर। यहां गौर से देखिएगा, अपन कहते हैं जब स्विंग की बात कर रहे हैं, ये देखिए स्विंग की बात करूं, अगर मैं झूला झूलते हैं तो अगर आप जो झूला दे रहा है, जो उसको धक्का दे रहा है कोई भी, अगर उस पर स्विंग कर रहा है, तो आप कहेंगे स्विंग की अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, जैसे मान लीजिए एक बार वो जब करके आता है वापस, आपने धक्का दिया वो गया वापस आया, वापस आते टाइम अगर अपन उसको उसके उस परफेक्ट मोमेंटम पे धक्का नहीं दें तब तक वो उसमें ऐड नहीं होगा। आया और आके जब वापस से पेंडुलम की तरह जा रहा है, बस उसी समय अगर आपने धक्का दिया तो वो उसके साथ मैच कर गया। तो अगर आपका फ्रिक्वेंसी मैच कर जाता है उसके साथ, आपका जो कोऑर्डिनेशन मैच कर जाता है, तो पर्टिकुलर स्विंग की उस अवस्था को अपन कह सकते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन मैच करे, कि एक तरह का अनुनाद है किसके बीच में, जो धक्का दे रहा है और जो झूले खा रहा है, दोनों के बीच में अपन कह सकते हैं। दूसरा, अगर मैं गिटार की बात करूं, गिटार में भी क्या होता है, सिंपली किसी भी साउंड सिग्नल की बात करूं तो नॉइस जो है, नॉइस मिनिमाइज्ड होना चाहिए, परफेक्ट। अगर आपका फ्रिक्शन है, आपने किसी नोड को टच किया, या फिर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपरली बजा रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली उनको क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ही अपन कहते हैं कि उसमें क्या होता है, रेजोनेटिंग आता है। और रेजोनेंस पर नॉइस सिग्नल मिनिमाइज्ड होकर आपको हाई एम्पलीट्यूड पर आपको वॉइस मिलेगा। इसी तरह से आपके म्यूजिक सिस्टम जिनको हाई बीट्स पर चलाया जाता है, और रेडियो तो सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, सबसे आसान भी यही, समझना भी इसको इंग्लिश। रेडियो क्या करता है, सिग्नल्स जो होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी पर उनको एक्सेप्ट करता है, कहीं किसी दूसरे आप कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल से उसको क्या किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया किसी FM स्टेशन से, या फिर किसी, अब मान लीजिए वहाँ से विविध भारती से कोई सिग्नल आपका क्या किया गया, ब्रॉडकास्ट किया, तो उसको अपन ने ब्रॉडकास्ट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, मेगाहर्ट्ज में कोई फ्रिक्वेंसी आप सुनते हैं, जैसे 108.7 पर ये आपके विविध भारती है, या फिर जयपुर स्टेशन है, या फिर ये स्टेशन, इस तरह से अपन बात करते हैं, तो पर्टिकुलर एक मेगाहर्ट्ज में उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो है किसकी, सेंड किए गए सिग्नल की। अब मेरे पास क्या है, रेडियो, मैं क्या कर सकता हूँ, ट्यून कर सकता हूँ। तो रेडियो में जब मैं उस सर्किट को, रेडियो को ट्यून्ड एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं, जब अपन उसे ट्यून करते हैं, तो ट्यून कर अपन उसकी फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते हैं, तो आप कहेंगे हम रिसीवर की फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं। जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर आपका आपका फ्रिक्वेंसी उस आपके सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को मैच कर जाता है, वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी कंडीशन आप कह सकते हैं रेजोनेंस कहलाती है। और आप गौर से देखें तो अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर तो आपको बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई देती है, उसके प्लस माइनस पर हमेशा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। वो डिस्टर्बेंस क्यों है, क्योंकि परफेक्ट मैचिंग नहीं है, तो वहाँ पर हमेशा नॉइस सिग्नल के रूप में आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा। तो वो भी एक बहुत ही स्पेशल केस कह सकते हैं, प्रैक्टिकल केस कह सकते हैं इसका, रेजोनेंस का। तो हमारा फोकस इलेक्ट्रिकल सर्किट पर रहेगा, रेजोनेंस क्या है देखिए अगली स्लाइड्स में कुछ।
जैसे एक बेसिक एग्जांपल दूं मैं इंट्रोडक्शन टाइप, तो अपन जब भी कभी बाय डिफॉल्ट अपन बात करते हैं ना रेजोनेंस की, तो हम कुछ नाम अगर उसने नहीं दिया किस सर्किट के लिए, तो अपन कहते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। मोस्टली किसके लिए बोला जाता है? सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ एक सीरीज आरएलसी सर्किट में अगर रेजोनेंस की बात करें तो वो क्या है? आप जानते हैं आर की वजह से तो केवल सर्किट की इंपेडेंस है जो करंट को कंट्रोल कर सकती है, ये केवल गर्म होकर हीटिंग में लॉस दे सकता है, बट इंडक्टर और कैपेसिटर जो है इनके रिएक्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। जानते हैं अपन एक के रिएक्टेंस को अपन एक्सएल कहते हैं, दूसरे को एक्सी कहते हैं। तो आप कहेंगे इस पर्टिकुलर सिग्नल में अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो मेरा है उसको अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो क्या होगा? आपके पास दो तरह की बातें, एक है क्या, एक है एल के लिए एक्सएल, दूसरा है एक्सी। तो एक्सएल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर होता है? 2πfL। L फिक्स है, C फिक्स है, लेकिन F अगर बदल गया, अब मान लो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो XL की वैल्यू क्या हो करेगी? बढ़ेगी। इसी तरह से XC की बात करूँ तो ये क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 1/2πfC, इसमें 1/ में आता है। तो अगर मैं फिर कहूँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे XC कम हो रहा है, तो आप कहेंगे XL बढ़कर और XC कम होके अगर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल हो जाए, और हमें यह भी पता है इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो अगर किसी कंडीशन पर दोनों इक्वल हो गए तो फिर क्या होगा? दोनों की इक्वल नेचर पर वहाँ पर अपने पास इंपेडेंस मैच कर जाएगा, जिससे अपन कहेंगे कि टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे ही टोटल रिएक्टेंस जीरो होगा अपन कह सकते हैं रिएक्टेंस जीरो, तो आपका सर्किट कैसा हो जाएगा? रेजिस्टिव हो जाएगा। ये स्पेशल केस आपको मिलता है, ठीक है। तो एक ही बात अपने पास आ जाती है कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो कंडीशन कौन सी कहलाती है? रेजोनेंस की। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन पर जो फ्रीक्वेंसी उसे अपन क्या नाम देंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है, क्लियर। देखिए अगली स्लाइड्स में कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब अपन ने कहा कि रेजोनेंस दो तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल, सीरीज सर्किट के लिए और पैरेलल सर्किट के लिए, ठीक है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के लिए अपन कह सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ रेजोनेंस के लिए स्पेसिफिकली तो अपन कहेंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट के लिए डिफाइन करूँ अगर इन दोनों को, तो देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कई बार आ जाता है कि रेजोनेंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर उपयोगी, तो उसके लिए क्या बोलें? तो आप कहेंगे सीरीज या पैरेलल सर्किट की तो बात है ही, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर अगर बोलें तो इसे कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है? हम इसे अभी मैंने बोला था ना रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग की तरह, तो ट्यून्ड एम्पलीफायर जो होते हैं ट्यून्स में काम में लेते हैं, फ्रिक्वेंसी जनरेटर जो होते हैं ऑक्सीलेटर्स दोलित्र उनमें काम में लेते हैं, इसके अलावा अपन इन्हें फिल्टर्स में जो एक्टिव और पैसिव फिल्टर होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फिल्टर सर्किट के अंदर, देन मिक्सर जहाँ पर आपके साउंड वेव्स मिक्स करने की काम मिक्सिंग एप्लीकेशन में काम में लेते हैं, और इंडक्शन हीटिंग तो है ही, आपका इंडक्शन हीटिंग जो एक हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग है, रेजिस्टेंस हीटिंग लो फ्रिक्वेंसी है, पावर फ्रिक्वेंसी है, तो इंडक्शन हीटिंग जो मेथड्स है उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके एक कॉमन एप्लीकेशन अपन कह सकते हैं। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, किस किस तरह से रेजोनेंस के क्या अभिलाक्षणिक है, क्या होता है, किस कंडीशन पे होता है, उसकी अगर अपन चर्चा करें तो अपन यहाँ से अच्छे से इस बात को समझा सकते हैं किसी पर्टिकुलर सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन पे क्या कुछ होगा। देखो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को समझने से पहले अपन बात करते हैं किसकी, कंडीशंस की। एक सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कब होता है, किस तरह से होता है, क्या कंडीशंस है, गौर से देखना। अगर मैं कहूँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होगा? रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होगा? इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। अगर मैं कहूँ इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो गई तो सर्किट रेजोनेंस पे आएगा, अभी भी एक्सप्लेन किया अपन ने। सो एक्सएल और एक्सी बराबर होना चाहिए, एक कंडीशन है। अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो अपन जानते हैं कि जो भी सर्किट है उसका नेचर कैसा हो जाएगा? प्योर रेजिस्टिव जैसा हो जाएगा, सर्किट में केवल आर ही बचेगा। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जब सॉल्व किया जाता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी को अगर अपन सॉल्व करें तो अपना आंसर दिख जाएगा। कैसे? एक्सएल होता है किसके बराबर? 2πfL, और XC होता है 1/2πfC। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास F स्क्वायर निकल के आता है 1/4πsquareLC। अगर मैं यहाँ पे F निकालूँ तो इस पूरे का क्या ले लूँगा? रूट ले लूँगा, तो अपना आंसर क्या जाएगा? FR बराबर 1/2πrootLC। यानी गौर से देखें तो ये यहाँ पर क्या चीज़ नहीं दिख रही? रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, R पे निर्भर नहीं करती, ठीक। आगे देखें सर्किट में अगर इन दोनों का गुण खत्म हो गया, कुल एक्स खत्म हो गया, तो अपन जानते हैं जेड क्या होता है, जेड को लिखा जाता है आर प्लस जे एक्स, और एक्स की जगह कौन आता है? एक्सएल माइनस एक्सी। अब बताओ मुझे अगर सर्किट में
आपका एक्सल और एक्ससी बराबर है, तो बोलिए ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, तो बताओ जेड सीधा किसके बराबर बचा, आर। तो अगर मैं इन दोनों को घटा रहा हूँ, ये दोनों हटके जीरो हो गए, केवल आर ही बचा, तो जेड की कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो आप कह सकते हैं रेजोनेंस वो कंडीशन है जिसपे सर्किट एक मिनिमम इम्पीडेंस, निम्न प्रतिबाधा, न्यूनतम प्रतिबाधा ऑफर करता है, मिनिमम इम्पीडेंस लगाता है। किसके मार्ग में, करंट के पाथ में। तो आप कहेंगे जेड कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं अनुनाद की अवस्था पर जेड मिनिमम होता है किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर, आर के बराबर। अगर जेड मिनिमम है, आप खुद सोचिए, इधर से आने वाली जो करंट है उसके मार्ग में सब मिलकर क्या डालते हैं, जेड प्रतिबाधा। तो अगर जेड ही मिनिमम हो गया तो बताइए करंट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप कहेंगे इस अवस्था पर करंट कैसी बहती है, आई मैक्सिमम हो जाती है। किसके बराबर, करंट होती है वी बटा जेड, और जेड किसके बराबर, आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी बटा आर। तो आप कहेंगे आई मैक्स कितना मिलेगा, आप कहेंगे आई मैक्स हो जाएगा वी बटा आर। तो धारा अधिकतम, प्रतिबाधा न्यूनतम। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रवेश्यता, यानी कि एडमिटेंस। तो आप कहेंगे अगर जेड मिनिमम था तो 1/z क्या होगा, एडमिटेंस, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो एडमिटेंस क्या हो जाता है, प्रवेश्यता क्या हो जाती है, अधिकतम, जो धारा के समानुपाती होती है। सिंपल सी बात है, ये दो भी पता है तो अपने आप जवाब दे सकते हो। अब सोचिए गौर से चीज कि जब यहां से करंट जा रही है तो वो तो ड्रॉप तो सब में देगी ना, कैसे, रेजिस्टेंस में कितना देगी, आपने कहा वी आर, इंडक्टर में कितना देगा VL, इधर कितना देगा VC, और टोटल V जब लिखा जाता है तो वो भी याद होगा, टोटल V को कैसे लिखते हैं बताओ, V की वैल्यू बराबर होती है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये होता है टोटल वोल्टेज। जब एनालिसिस पढ़ेंगे RL से सर्किट का तो और अच्छे से बताएंगे। अनुनाद पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस पर अपन ने पढ़ा था भाई IXL बराबर XC, ठीक है, हमने क्या कहा कि भाई XL XC के बराबर है, करंट तो दोनों में सेम ही जा रही है, इधर भी I से गुणा कर दूं, इधर भी I से गुणा कर दूं, तो I इंटू XL क्या हो गया VL, I गुणा XC क्या हो गया VC, तो VL और VC दोनों क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए। अगर VL और VC दोनों बराबर हो गए तो बताओ VL और VC दोनों बराबर हो गए तो ये चीज़ तो कट के जीरो, तो बताओ V सीधा किसके बराबर आ गया, VR। तो अपन कह सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन पर जो भी वोल्टेज लगाया जाता है वो सीधा किसके अक्रॉस मिलता है, रजिस्टर पर। इसका कतई मतलब नहीं है कि VL और VC जीरो होते, नहीं, आई गुणा एक्सएल आई गुणा एक्ससी के बराबर होंगे, जीरो नहीं होंगे लेकिन इनकी वैल्यू बराबर होने से मान क्या देंगे, जीरो देंगे। तो आपके पास वी बराबर क्या आ गया, वी आर। और लास्ट पॉइंट सबको अपने को पता ही होता है, सर्किट में केवल किसका इफेक्ट है बताओ, रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये तो दोनों एक्सएल बराबर एक्ससी हो गए, खत्म हो चुके हैं। जब सर्किट में रेजिस्टेंस का इफेक्ट है तो अपन बोलते हैं अनुनाद की अवस्था पर परिपथ का व्यवहार शुद्ध प्रतिरोधी हो जाता है, एकदम प्योर रेजिस्टिव हो जाता है। और एक रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कैसा होता है, 1, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर। तो अपन कह सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन पर कोई पूछ ले सर्किट का पावर फैक्टर कैसा होगा तो अपना जवाब क्या आएगा, UPF, यूनिटी पावर फैक्टर, इकाई शक्ति गुणांक, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो थी वो क्या है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी रेजोनेंस पर यानी अनुनाद पर शर्त है और कौन सी नहीं है। तो अपने पास दो चीज़ें आई, करंट मैक्सिमम और इम्पिडेंस मिनिमम। तो जरा देखिए ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक में यही तो बात है, ये रही। जब मैं बात करता हूँ रेजोनेंस की, इस ग्राफ को ध्यान से देखना, जब मैं बात करता हूँ रेजोनेंस की तो फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज करूँ, यहाँ जीरो से इधर फ्रीक्वेंसी क्या करूँ, इधर फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ बताओ क्या होगा, आर पे तो कोई फर्क आता नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ एक्सएल बढ़ेगा और एक्ससी क्या होगा, कम होगा। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी तो एक्सएल इधर बढ़ रही है और एक्ससी इधर घट रहा है, तो जरा गौर से सोचिए, इधर समझेंगे अपन इस बात को। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, इधर से बढ़ते बढ़ते एफ एफ आर हुई, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपका एक्सएल और एक्ससी तो बराबर हो गए, तो केवल सर्किट में कौन बचा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू अगर जेड का है तो आप कहेंगे उस पॉइंट पर करंट कैसी मिलती है, मैक्सिमम। तो करंट का कैरेक्टरिस्टिक अगर फ्रीक्वेंसी के साथ बनाया जाए तो आप कहेंगे एफ आर पर क्या होगी, अधिकतम। अब सोचो आई बराबर वी बटा जेड है, ठीक है, वी बटा जेड को क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। रेजोनेंस पर क्या है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों हटते ही नीचे क्या हुआ, जेड आर के बराबर, नीचे मिनिमम वैल्यू आर का भाग लगेगा, तो मिनिमम आर है तो करंट कैसी, मैक्सिमम। अब बताओ इसके इधर या इधर, दोनों ही तरफ की बात करूं, तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो एक्सएल बढ़ जाएगा, इधर करूंगा तो एक्ससी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बढ़ता है दूसरा घटता है, तो कुल मिला के कभी बराबर होंगे क्या, नहीं, यानी कुछ ना कुछ तो ये जुड़ेगा ही ना इसमें, तो रेजोनेंस पर ही मैक्सिमम है, बाकी दोनों ही तरफ आने पर जेड में आर के अंदर कुछ जुड़ता है, अगर जुड़ेगा तो बताओ करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब दोनों ही तरफ करंट इस तरह से घटते हुए मिलती है, ये इसके करंट कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। तो रेजोनेंस पर मैक्सिमम और दोनों ही तरफ क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, घटेगा। अगर करंट घटते हुए तो बताओ इम्पीडेंस से सोचो जरा, ये पॉइंट को देखो, जेड में इम्पीडेंस में तीन चीजें थी ना अपने पास,
इम्पीडेंस में तीन बातें हैं, आर है, एल है और सी है। तो आपने कहा रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो जेड में आर तो ये होता है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी की अगर बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी पे तो ये डिपेंड करता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो कितना भी बढ़ाओ आर के लिए तो सीधी लाइन ही आनी। अब सोचो जरा यहाँ पे इस चीज़ की और इस चीज़ की बात करो, इस तरफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ आर से कम है और इधर फ्रीक्वेंसी क्या है ज़्यादा है। मुझे बताओ एक्स एल और एक्स सी की बात करूँ तो ये एफ के समानुपाती और ये वन अपॉन एफ के समानुपाती। मुझे बताओ इधर फ्रीक्वेंसी कम है तो जरा फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कौन ज़्यादा होता है, कम होने पे एक्स एल कम है एक्स सी ज़्यादा है, मतलब इस जोन में इस साइड में आपका कौन इफेक्टिव है बताओ, कैपेसिटर। तो देखिए इधर क्या लिख रखा है, कैपेसिटिव नेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है, एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल। इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बढ़ेगी तो बताइए कौन समानुपाती बढ़ जाएगा, एक्सएल। तो आप कहेंगे इधर आने पे एक्सएल बढ़ेगा तो यहाँ पे कौन प्रभावी है, एक्सएल। तो कभी पूछ लिया जाए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर परिपथ के गुण होते हैं तो बताइए जवाब क्या देंगे, प्योर रेजिस्टिव तो केवल रेजोनेंस पे होते हैं, रेजोनेंस से कम पर कौन प्रभावी था, कैपेसिटर। तो गुण कैसे हो जाएंगे, कैपेसिटिव यानी धारतीय गुण हो जाते हैं, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर कौन ज्यादा है, एक्सएल। तो गुण कैसे हो जाएंगे, इंडक्टिव हो जाएंगे। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कब परिपथ प्रेरकीय और कब परिपथ धारतीय होता है, जवाब दे देंगे ये इन कैरेक्टरिस्टिक से बात समझ में आती है। तो एक करंट का पीक था यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट थी मैक्सिमम, करंट कौन सी वैल्यू दे रहा था मैक्सिमम, और रेजोनेंस पर बताइए जेड कैसी वैल्यू दे रहा है, आप कहेंगे मिनिमम। ये दो बातें अपने पास यहां से समझ में आती। अब एक आगे दो टर्म और पढ़नी अपने को जो रिलेट करती है इनको, देखिएगा एक टर्म होता है बैंड चौड़ाई और एक होता है क्वालिटी फैक्टर, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने शॉर्ट में आपको केवल बेसिक्स पे बताया, डिटेल से कभी बैंडविड्थ पर ही वीडियो बनाएंगे। क्या है भाई ये करंट का, देखना ध्यान से, बैंडविड्थ एक तरह से अपन कहते हैं, ये क्या है बैंडविड्थ अगर मैं कहूँ तो एक तरह से करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ था। अपन ने देखा एफ आर पर करंट कैसी थी मैक्सिमम, तो आप यहाँ पे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है भाई जिसे अपन नाम देते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर धारा अधिकतम धारा का 1/√2 गुना हो। कितना हो भाई मैक्सिमम का, आप कहेंगे करंट जो मैक्सिमम है उसका 1/√2 टाइम्स यानी आरएमएस वैल्यू के बराबर प्रभावी मान के, तो करंट मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स यहां पर है। इस 1/√2 वाले पॉइंट को इधर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ को दो जगह कट करता है, एक तो एफ आर से कम एक एफ आर से ज्यादा, तो जो कम वाला उसे बोलते हैं लोअर इसे बोलते हैं अपर। इन दोनों पर करंट की वैल्यू क्या है आई मैक्स बाई रूट टू, तो आप कहेंगे इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को नाम दिया जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर या अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और ये क्या बनाती है एक बैंड बनाती है, एक गैप बनाती है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो अंतराल है इसको बोला जाता है बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कई इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं उनको डिसाइड करती है सर्किट के लिए। यहाँ पर अपन इतना सीख सकते हैं इस स्लाइड से कि बैंड चौड़ाई किसके बराबर है, दो फ्रीक्वेंसीज का गैप है तो वैल्यू किस में आएगी बताइए, एफ टू माइनस एफ वन है तो हर्ट्ज में ही आएगी, किस में आएगा दोनों का डिफरेंस है तो हर्ट्ज में। अगर मैं कहूँ एफ आर की वैल्यू है 10 kHz और ये दोनों की वैल्यू 2-2 Hz है तो आप कहेंगे लोअर कितना हो जाएगा 10 में से 2 कम 8 और ये कितना हो जाएगा 2 ज़्यादा यानी कि 12, तो 8 से 12 का क्या हो गया बैंडविड्थ का अंतराल हो गया। इनकी वैल्यू परिपथ के अवयव पे भी डिपेंड करती है, तो आर एल सी पता हो तो अपन निकाल भी सकते हैं, कैसे दिख रहा है एफ वन और एफ टू का मान, एक एफ आर माइनस और एक एफ आर प्लस, वैल्यू सेम लिया देखो R upon 4πL, R upon 4πL। यहाँ पर R और L क्या है, RL से सर्किट में R और L, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है बताओ, बैंडविड्थ की अगर खास बात करूँ तो किस एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, बोलो फटाफट देख के, यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ ना बैंडविड्थ, F2 माइनस F1 रखो फटाफट, इसमें से इसको घटाऊंगा तो FR कट गया और ये माइनस वन ये आ जाता है R upon 2πL, ये है भी बैंडविड्थ का फॉर्मूला। कोई पूछ ले बैंडविड्थ किसके बराबर है R/2πL, तो बताइए बैंडविड्थ किस पैरामीटर पे निर्भर नहीं कर रही है, बोलो R दिख रहा है L दिख रहा है यानी किस पे निर्भर नहीं करती है, आप कहेंगे C पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस पे निर्भर नहीं करती थी, R पर डिपेंड नहीं करती थी। ठीक आगे बढ़े चलिए, नेक्स्ट अपना है क्वालिटी फैक्टर, ये कहलाता है किसी सर्किट की विशेषता गुणांक, उसके प्रदर्शन उसके प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो किसी सीरीज आरएलसी सर्किट में अगर कोई मैं कहूँ सीरीज आरएलसी है या आरएल है या आरसी है, यानी एक तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट और एक डिसिपेशन हो, यानी कि एक आर है दूसरा एल या सी में से कोई हो, तो ये क्वालिटी फैक्टर प्रदर्शित करता है एक अनुपात को, जो किसको दर्शाता है, ये अनुपात होता है किसी कॉइल या कैपेसिटर में संग्रहित अधिकतम ऊर्जा और उसके द्वारा कितने रेजिस्टेंस के रूप में किए गए लॉस, यानी एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी और डिसिपेट एनर्जी के अनुपात को क्या करता है प्रदर्शित करता है। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन आते हैं इस पे, किसके बराबर होता है सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूले को एक्सएल अपॉन आर, यहाँ से मिलता है एक्सएल रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, एक्सएल बटा आर या एक्सी बटा आर।
क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में, और साथ में क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये याद होना चाहिए। आगे की कभी क्लासेस में हम इस रिलेशन को और इन तीनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या है। आज की क्लास अपनी रेजोनेंस का बेसिक था, रेजोनेंस के एप्लीकेशन जो होते हैं, अनुप्रयोग, उनमें इन सबको अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। कौन कौन से हो गए, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, ये दोनों को एफआर के बिहाफ पे पढ़ा जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये होगा। अगर फिर भी मैं एक फॉर्मूला आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो यहाँ से देखिए, अगर मैं क्यू के सूत्र की बात करूं, क्या है, एक्सएल बटा आर, एक्सएल को क्या लिखेंगे बताओ, 2πfL/R, समझना ध्यान से। अब रेजोनेंस पे निकालना है, तो आपने कहा ये 2πL/R तक तो ठीक है, एफ की वैल्यू रेजोनेंस पे कितनी थी, 1/2π√LC, बताइए 2π से 2π कैंसिल, ये एल दे रखा है यहाँ पे और अंदर रूट एल है, तो अगर इससे ये काटूँ तो ऊपर रूट एल बचेगा, यहाँ पे क्या बचा बताओ, क्वालिटी फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, 1/√L/C, ये फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी, 1/√L/C, ये भी एक बेसिक फार्मूला क्वालिटी फैक्टर के लिए हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर जिसमें इन तीनों फैक्टर का रिविजन हो जाए। देखिएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन से पहले एक स्लाइड मैंने दे रखी है जिसमें रिलेट किया, देखो जैसे सीरीज सर्किट था ना, उसी तरह से पैरेलल भी होता है, तो दोबारा कभी हम वीडियो बनाएंगे पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट पे, यहाँ मैंने रिलेट कर दिया, कभी आ जाए तो रिलेट करके अपन उस चीज़ को समझा सकते हैं, जो अभी अभी पढ़ा वो चीज़ यहाँ पर इसमें दिखेगा आपको। कैसे, हमने अभी बोला था ना कि रेजोनेंस अगर अपन बात कर रहे हैं सीरीज में, तो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में, सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस कैसा था बताओ, अगर मैं कहूँ किसी सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस की बात करूँ, सीरीज सर्किट में अगर मैं, तो सीरीज सर्किट में इंपीडेंस एट रेजोनेंस और इफेक्टिव में, दोनों की बात अलग अलग, इफेक्टिव इंपीडेंस निकालते समय देखिएगा, यहां ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इंपीडेंस की अगर बात करें तो सीरीज में इंपीडेंस कैसा होता है, मिनिमम, जब सीरीज में इंपीडेंस मिनिमम होता है तो करंट कैसा हो जाता है, मैक्सिमम, और वो वैल्यू किसके बराबर दे रहा था बताओ, आर के बराबर, ये तीन चीज पढ़ी। पैरेलल जस्टिस के ऑपोजिट है, वहां पे एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस मिनिमम होता है, इसीलिए जेड कैसा हो गया, मैक्सिमम, करंट कैसा हो गया, मिनिमम, और ये यहाँ पर उसकी इफेक्टिव वैल्यू। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले भी दे रखे हैं, 1/2π√LC, 1/2π√1LC-R²/C²। इसी तरह से वोल्टेज की बात करें, हाँ, क्वालिटी फैक्टर जो है सीरीज सर्किट में वोल्टेज VL और VC पे एम्पलीफाई होकर, मैग्नीफाई होकर मिलता है Q टाइम्स, और पैरेलल सर्किट में करंट क्या होती है, एम्पलीफाई होती है, ठीक, सर्किट में एम्पलीफायर की तरह वर्क करें। एक अपन कह सकते हैं जो मैंने कहा था, सीरीज सर्किट में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सेप्टेंस की बात की जाती है, ग्राही की तरह, तो वो एक्सेप्टर सर्किट होता है, जबकि पैरेलल रेजोनेंस एक रिजेक्टर सर्किट होता है, ये भी दोनों में डिफरेंस है, और पावर फैक्टर तो अपने पास यूनिटी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन की, ये देखिए, ये कई बार आपको मिला होगा, मैंने एक में ही तीनों शामिल कर दिए, ये कई बार आपको तीन तरह से मिलेगा, क्या है, एक सीरीज आरएलसी सर्किट के यदि सभी अवयव को दुगुना कर दिया जाए, समझना ध्यान से और इस क्वेश्चन को सीखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, सभी अवयव को, सबसे पहले सभी अवयव मतलब पहले थे आरएलसी और अब कितने कर दें, दुगुना मतलब 2R, 2L और 2C कर दूं, तो किस किस पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहला ले रहे हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले बात करते हैं FR की, FR किसके बराबर है बोलो, FR किसके बराबर होगा, 1/2π√LC, ये तो पहले था, अब नया क्या हो जाएगा, आप कहेंगे नया हो गया, मान लीजिए FR-, ये क्या होगा, 1/2π√L की जगह क्या आएगा, 2L, और C की जगह क्या आएगा, 2C, यही होगा, तो 2L 2C, रूट टू, रूट के अंदर 4 आ गया, 4 से बाहर लूंगा तो 2, तो गौर से देखिए, ये फिर से वही निकल के आया कि नहीं आएगा, 1/2 तो बाहर और 2π√LC, बोलो यहाँ से बाहर ले लूँ तो आप कह सकते हैं इसको अगर FR बोलते हैं तो नया मान किसके बराबर आ रहा है, FR/2, तो मेरा जवाब क्या है, सभी अवयव दुगुने कर दूं तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है, तो अगर कहता है एन गुने कर दूं तो आंसर क्या होता है, 1/n गुना हो जाती है। चलिए दूसरे की बात करते हैं, ये है बैंड चौड़ाई, बैंडविड्थ की अगर बात करूं, अभी अभी लिख के आया बताइए क्या था, R/2πL, यही फॉर्मूला था ना, अब बताओ मुझे क्या पूछ रहे, न्यू वैल्यू, तो बैंडविड्थ का नया मान क्या होगा, बोलो भाई, रेजिस्टेंस को क्या कर दूं, दिख रहा है साफ साफ 2R, इंडक्टर नीचे 2π, इसे क्या कर दूं, ये लीजिए 2L, अरे ये दो तो यहीं कैंसिल हो गया, तो आंसर फिर से वही निकल के आया, R/2πL, इसका मतलब बैंडविड्थ तो वही रह गई, तो मेरा जवाब क्या होगा, बैंडविड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सभी अवयव में एक समान परिवर्तन किया जाए, क्लियर, और किस पे डिपेंड नहीं करती है, पता ही है, इसमें आर नहीं आता और इसमें सी नहीं आता। तीसरा पैरामीटर कौन सा बोलिए, थर्ड पैरामीटर कौन सा स्टडी करते हैं, क्वालिटी फैक्टर, जरा बताइए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखूं उससे बढ़िया, चलिए देखिए यहाँ पे क्यू के फॉर्मूले दो डिस्कस कर लिए अपन ने, एक कौन सा था बताइए फटाफट से, अभी भी लिख के हैं, कौन सा था,
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ वाली बात की, आपने कहा था एफ आर अपॉन बी डब्ल्यू, ये तो पढ़ा ही था, एक दूसरा भी तो लिखा भी, किसके बराबर, 1 बाई आर रूट एल बाई सी। जरा यहाँ देख लो, सीधे लिखूंगा आंसर समझना, एल को कर दूँ 2L, सी को कर दूँ 2C, तो ये तो कैंसिल हो गए, और इसका अगर 2 बाहर लगाऊं तो बताइए 1/2 टाइम्स हो जाता है, तो क्वालिटी फैक्टर भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको देख लो, एफ आर पे क्या फर्क आ रहा था, हाफ, बैंडविड्थ पे कोई फर्क था नहीं, तो अगर मुझे कोई पूछे क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू, पहले थी 1/√L/C और बाद में कहें नया मान बताओ, तो 1/2R और √2L/2C, बताइए ये तो कैंसिल हो गया, तो सीधा क्या आ जाएगा, Q/2 पहले का आधा। तो जो फर्क फ्रिक्वेंसी में था वही किस में आता है, क्वालिटी फैक्टर में, ये साफ दिख रहा है और फॉर्मूले से भी पता है ना अपने को, क्योंकि ये सीधा रिलेट करता है। पीछे वाली स्लाइड में देखिए, अभी अभी लिख के आए थे पीछे वाली स्लाइड में, देखो सामने कि क्यू और एफ आर ये तो समानुपाती है ना दोनों, बोलिए क्यू और एफ आर तो बिल्कुल सेम है ना, इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और ये भी क्या हो गया हाफ, ये भी क्या हो गया हाफ, तो समानुपाती परिवर्तन आता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्टिवली लेके मैंने कोशिश करी कि रेजोनेंस का बेसिक थोड़ा सा अपने को क्लियर हो पाए। चलिए होपफुली सोचते हैं कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक फैलाइए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।